वीडियो शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्री में और इसके बगल वाली घंटी को दबा दीजिए, इससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सकेगा। धन्यवाद। अगर आप मां बनने की कोई प्लानिंग कर रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि आज मैं आपको 7 ऐसी टिप्स बताऊंगा जो आपको मां बनने से करीब 2 या 3 महीने पहले से स्टार्ट कर देनी है। ये 7 टिप्स अगर आप फॉलो करती हैं तो आपको 1 से 9 महीने तक कोई दिक्कत नहीं आएगी, गर्भ ठहरने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपका जो डिलीवरी है उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। प्लीज़ पसंद आने पर वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें, आप लाइक नहीं करते मुझे पता लगा है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये सब फ्री में होता है जिससे आप मेरे चैनल से जुड़ सकें, और अगली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए उसके बगल वाली बेल को ऑन कर दें, इससे आपको अगली वीडियो का मैसेज मिलता रहेगा। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली टिप्स, अपनी दवा पर ध्यान रखें यानी कंट्रोल करें। बाजार में कई प्रकार की दवाएं उपलब्ध हैं जो बच्चों के विकास के लिए काफ़ी सुरक्षित होती हैं, लेकिन कुछ दवाएं ऐसी भी होती हैं जो सुरक्षित नहीं होती हैं। इसलिए आपको एक अपना डॉक्टर पर्सनल करना है, वो आपको जो भी दवाई दे उस दवाई को आपको लेना है, अपनी खुद मर्जी से कोई दवाई आपको नहीं लेनी है। दूसरी टिप्स, टेंशन से मुक्ति यानी कि टेंशन का मतलब होता है तनाव। तनाव का उच्च स्तर किसी भी गर्भवती महिला का दोस्त नहीं हो सकता, और अब जब आप गर्भवती होने की योजना बना रही हैं तो यह आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप तनाव रहित रहें यानी टेंशन रहित रहें और मन की शांति को अपने अंदर ग्रहण करें। आपके जीवन में तनाव के कारणों का पता लगाकर उसे बदलने की पूरी कोशिश करें। तनाव के स्तर को कम करने के लिए आप योग, ध्यान और लेखन शुरू कर सकती हैं। तीसरी टिप्स है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज टेंशन से छुटकारा पाने के लिए बहुत ही अच्छा साधन होता है, लेकिन इसके और भी लाभ होते हैं। एक अच्छा व्यायाम आपको स्वस्थ बनाता है। एक स्वस्थ महिला गर्भवती होने के लिए अधिक ग्रहणशील होती है। व्यायाम करने से आपको अधिक ऊर्जा मिलती है और साथ ही आपको नींद भी अच्छी आती है, जो आने वाले महीनों में आपके लिए बहुत जरूरी होता है। चौथी टिप्स है खराब सामग्री से बचें। आपको शायद पता होगा जब प्रेग्नेंट होने की बात आती है तो आपको अपने पुराने जीवन से बाहर जाने की जरूरत है, यानी ड्रग्स, शराब, तंबाकू, गुटखा, खैनी जो आप खाती हैं उनका सेवन आप बंद कर दें। आपको अपने शरीर में नए बच्चे के स्वास्थ्य के लिए एक मशीन बनने की बजाय एक मंदिर बनने की जरूरत है। इस बात का ध्यान रखना है कि इन पदार्थों का पहले हफ्ते के जो भ्रूण का विकास होता है उस पर बहुत फर्क पड़ता है, ये बहुत हानिकारक है, तो इन सब बुरी आदतों को छोड़ दें। पांचवा टिप्स है अपने साथी से बात करें। भावनात्मक पहलू जो किसी भी गर्भधारण का फैसला करने वाली महिला के लिए बहुत जरूरी है, वह उसको अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। गर्भावस्था का वह समय आपके रिश्ते में कुछ तनाव पैदा कर सकता है, यह सही समय है आप अपने साथी के साथ बैठें और अपनी आशाओं और गर्भाधान, गर्भावस्था और बच्चे के ऊपर उठाने के लिए उम्मीदों के बारे में गंभीर चर्चा करें। ऐसा करने से आपका तनाव दूर होगा और आपका पार्टनर खुश रहेंगे। छठा टिप्स है केमिकल पदार्थों से बचें। अगर आप ऐसी जगह पर काम करती हैं जहां का माहौल केमिकल के कई प्रकार की जो वस्तुएं होती हैं या फिर वहाँ फैक्ट्रियाँ होती हैं उनका धुआं निकलता है, वो आपके लिए बहुत हानिकारक है। वहाँ पर आप दस्ताने, मास्क, वेंटिलेशन जो होता है, जो घरों में जंगले होते हैं, पर्याप्त मात्रा में रखें। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि फर्नीचर खरीदते समय, पुराने फर्नीचर को ठीक करते समय या घर की मरम्मत करते समय केमिकल का प्रयोग ज़्यादा होता है, इसलिए इसके जोखिम से आपको बचना चाहिए। सातवां और आखिरी टिप्स है पोषण। गर्भावस्था में पोषण का बहुत ही बड़ा योगदान होता है, क्योंकि गर्भवती बनने से पहले आपको अपना बॉडी चेकअप कराना चाहिए। आपको एक पर्सनल अपना कोई डॉक्टर रखना है, आपका फीमेल हो या मेल डॉक्टर कोई भी चलेगा, लेकिन आपको एक डॉक्टर अपना रखना है, उससे अपना शरीर का पूरा जांच करवाना है कि आप माँ बनने योग्य हैं या नहीं, अपने शरीर का वजन कम है या ज़्यादा है वो आपको सलाह दे, तब आपको माँ बनना चाहिए, क्योंकि पोषण बच्चे के लिए काफ़ी योगदान रखता है। आप बच्चे को क्या पोषण दे सकती हैं पेट में, मान लीजिए गर्भ में आपका बच्चा है, आप कुछ खाएंगी पीएंगी नहीं, आपका शरीर अगर मान लो उस लायक नहीं है तो आप बच्चे का पोषण कैसे कर सकती हैं। तो इसलिए आपको पहले अपना ध्यान रखना है,
गर्भ ठहरने से पहले अपने बॉडी चेकअप जरूर कराना है। तो ये रही आपके लिए 7 टिप्स जो आपको गर्भ ठहरने से करीब 2 या 3 महीने पहले से स्टार्ट कर देनी है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक बटन दबाने में आलस ना करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, कमेंट करें, शेयर करें। आपको अगली नई वीडियो के साथ मिलता हूँ। धन्यवाद।